देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई हूं। जिस तरह से देखा जा रहा था कि पिछले कई सालों से बच्चों को जो है स्कूल बैग का जो है बोझ उठाकर स्कूल जाना पड़ता था और बच्चे स्कूल बैग के बोझ की वजह से काफी खासा परेशान भी नजर आ रहे थे, तो बच्चों के लिए और खासकर उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। जहां पर मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि साल में 10 दिन जो है बच्चे अब स्कूल बैग लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि साल में आपको 10 दिन स्कूल बैग स्कूल में लेकर नहीं जाना और इसके लिए आपको अब जो है आपको स्कूल से भी डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है। अक्सर देखा जाता था कि स्कूल बैग के बोझ की वजह से बच्चे खासा परेशान रहते थे और उसको मद्देनजर रखते हुए अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें साल में बच्चों को 10 दिन तक जो है स्कूल बैग लेकर नहीं जाने और ये 6 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को इस ऑर्डर में जो है रखा गया है, ताकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि बच्चों को स्कूल बैग की वजह से काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन अब एडवांस होती जा रही है बच्चों का स्कूल बैग भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और जिससे बच्चों को काफी दिक्कत होती थी। और अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है कि बच्चों को जो है साल में 10 दिन जो है स्कूल बैग नहीं लेके जाना और स्कूलों को ये हिदायत भी दी गई है कि अपनी सुविधा के अनुसार वो 5-5 दिन जो है इसको दो चरणों में इसको मुहैया बच्चों को करवाए, ताकि साल में दो बार बच्चे जो है 5-5 दिन के लिए स्कूल बैग ना लेके आए। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि पढ़ाई उस दिन ये 5-5 दिन जो डिसाइड किए जाएंगे उस दिन पढ़ाई के अलावा जो है अलग जो गतिविधियां हैं उनसे बच्चों को जोड़ा जाएगा, चाहे वो विकास की हो चाहे वो कौशल विकास की हो, इस तरह से बच्चों को जो है उसके साथ इसमें जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में वो बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बाहरी दुनिया की तरफ भी उन्हें पता हो कि कहाँ उद्योग में क्या कुछ चेंजेस आ रही है, किस तरह से वो अपना जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में जब बच्चे पढ़ लिख कर उस स्कूल से जाएंगे तो उन्हें एक नॉलेज होगी कि हमें कहाँ अपना जो है फ्यूचर बनाना है, किस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना है। तो ये अहम फैसला एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि अब साल में 10 दिन तक छठी से लेकर आठवीं कक्षा के जो बच्चे हैं, 6 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उन्हें अब जो है स्कूल बैग साल में 10 दिन तक नहीं लेके जाना। और स्कूलों से ये निवेदन भी किया गया है कि 5-5 दिन के जो दो चरण बनाए जाएं जिसमें बच्चों को जो है पढ़ाई के अतिरिक्त जो है बाकी चीजों के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो बाहर जॉब की बात हो, चाहे वो उद्योग की बात हो, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनका बाहरी विकास भी जो है उसमें भी इन्हें काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट में इनमें काफी ज्यादा योगदान मिलेगा और बच्चों को आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ वो जॉब करना चाहते हैं, रूरल एरिया में करना चाहते हैं या अर्बन में करना चाहते हैं, उद्योग में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 10 दिन का टाइम जो है उन बच्चों को इसलिए दिया गया है ताकि फ्यूचर में उन्हें किसी तरह का शक शुबा ना हो। और जहां बैग्स की बात की जाती है तो अब साल में आपको 10 दिन बैग से छुटकारा मिलेगा और पढ़ाई के अतिरिक्त आपको जो है कौशल विकास के ऊपर जो है काम करने को मिलेगा, जिसको लेकर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक अहम फैसला भी लिया गया है। मंत्रालय ने समाज के साथ जुड़े रहने के लिए एक अहम प्रयास किया है जिसमें बच्चों को जो है अब इस अहम प्रयास में जोड़ा गया है और उनके स्कूली बैग को जो है 10 दिन के लिए टाटा बाय बाय कर दिया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर जहां पर छात्रों को राहत भी मिली है, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी राहत मिली है, क्योंकि स्कूल का बैग जो था वो काफी बड़ा हो जाने के कारण एक बोझ की तरह बच्चों को लगता था, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज अपनी बुक्स नोटबुक्स लेके जानी पड़ती थी और इस जिस तरह का इस समय माहौल बन रहा है ऐसे में बच्चा जब बैग लेके जाता था तो उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी उसका कुछ खासा असर देखने को नजर आता था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये अहम फैसला
दिया गया है कि अब 6 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उन्हें साल में 10 दिन यानी कि दो चरणों में इसको विभाजित किया जाएगा, 5-5 दिन के लिए, और ये 10 दिन तक आपको जो है स्कूल बैग नहीं लेके जाना, यानी कि आपको उस दिन पढ़ाई के अलावा जो है बाकी और चीजों एक्टिविटीज के साथ आपको जोड़ा जाएगा, आपको बाहरी राज्यों में ले जाया जाएगा, बाहरी क्षेत्रों में आपको ले जाया जाएगा, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि विकास किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, चाहे बात हो उद्योग की, इंडस्ट्रीज की, चाहे किसी भी स्किल की बात हो, उसमें आपका रुझान जो है बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में इससे आपके फ्यूचर में काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका विजन जो है वो क्लियर होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि फ्यूचर में आपने कहाँ जॉब करनी है, आपको अपना फ्यूचर किस तरह से बनाना है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक अहम फैसला जो हमने आपके साथ साझा किया कि अब 6 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को साल में 10 दिन तक जो है बैग नहीं ले जाना होगा, और ये एक राहत भरी स्टूडेंट्स के लिए खबर है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।